जी अड़ंगेल पहुंच गए हैं। जी वाह काफी सही बात है, माइनस टेम्परेचर है तो बर्फ पड़ी है ना। ये देख रहे होंगे आप होटल्स वगैरह बने हुए यहाँ पर भी। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डोली खराब हुई हुई। नहीं नहीं तो... सर चालू है, कौन बोल रहा है खराब। लेकिन सर सर्दी है, जो भी आए अपना पूरा कवर से होकर आए। कवर से होकर शाम के 4:30 हो रहे हैं तकरीबन। टूरिस्ट गाइड तो नहीं है इस टाइम, लेकिन हमारे साथ टूरिस्ट पुलिस जरूर है। Hey guys, assalamualaikum from the heaven, और इस वक्त हम लोग केल मौजूद हैं। मेरे साथ उमर भाई हैं और नबील भाई हैं और हमजा भाई हैं। याद है गाइस, हम लोग निकलने वाले हैं अड़ंगेल लेकर कश्मीर में। हम लोग दिखाते हैं आज सारा कश्मीर, बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। कटोटा गाइज, ये सामने आपको अड़ंगेल नजर आ रहा होगा। ये सारे पहाड़ जो है ये अड़ंगेल के, और ये केल का बाजार है। अच्छा ये देखो गाड़ी। तो गाइज इस गाड़ी पे हम लोग जाने वाले हैं अड़ंगेल। वाह ऊपर। तो अभी यहाँ से निकलते हैं फिर, क्योंकि टाइम क्या हो रहा है नबील साहब? टाइम हो गया भाई 12:02। अब यहाँ से हम लोगों ने 15 मिनट का सफर करना है पैदल, और उसके बाद ऊपर हम चेयर लिफ्ट से जाएंगे या डोली से जाएंगे। चेयर लिफ्ट से हम लोगों ने जाना है आगे अड़ंगेल। तो ये सारा जो हमारा अड़ंगेल का रास्ता होगा, ये रास्ते में दरमियान में आएगा दरियाए नीलम, और दरियाए नीलम के ऊपर से हम लोग दरियाए नीलम का विजिट करवाएंगे। यार देख के हैरान, परेशान नहीं, हैरान परेशान नहीं करना व्यूअर्स को। आर्मी दिखाओ, आर्मी कैसे चेयर। हाँ ये आर्मी के यूनिट वगैरह है कोई यहाँ पर, तो वहाँ भी इनकी ट्रेनिंग वगैरह हो रही है। दूसरी जाने में हम देखें तो दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर और इस तरफ आजाद कश्मीर है। पूछा मैंने कुछ यार, अभी हम लोग होटल से बाहर आ गए। होटल ये हमने यहाँ पर स्टे किया हुआ। ये ताऊगढ़ है, सारा ताऊगढ़ का इलाका। वो सामने इंडिया का बॉर्डर है। चुप कर बे कुत्ते। ये मेन बाजार है यहाँ का, केल का जो मेन अड्डा है वो यही है। यहाँ से जो लोग हैं दूर दराज के जो शहर होते हैं उधर यहाँ से जाते हैं। यहाँ पे जीप है ना, ये बहुत ज्यादा चलती है, क्योंकि ये जीप जो है ना इसमें 4x4 पावर होती है, चारों टायर इसके जो है वो वर्किंग होते हैं। तो इस वजह से जो है ना इसको पहाड़ चढ़ने में, जब ये ऊपर जाती है ना तो इसको पहाड़ चढ़ने में जो आसानी होती है, इसीलिए ये जीप जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा चलती है। हम लोग निकल पड़े हैं, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया। नाश्ते के टाइम जाना वो कैमरा ऑन करना भूल गए। हम जा रहे हैं अड़ंगेल की तरफ, और ये रास्ता जा रहा है अड़ंगेल की तरफ, सारा स्लिपरी रास्ता है, लेकिन हम लोग पैदल जा रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आप डोली से जाएं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डोली खराब हुई हुई। नहीं नहीं सर चालू है, कौन बोल रहा है खराब। फिलहाल चालू है मतलब चल रहा है। अभी हमें वहाँ होटल पे कह रहे थे कि होटल वाले झूठ मार रहे हैं, चालू है सर। अच्छा ये क्या हाइकिंग स्टिक ना हो, बर्फ है, स्लिप आ गए। ये देख लो वो फैमिली आ रही, वो भी लेके गई, सब लेके जाते हैं, इसकी व्यूज होता है। उसके ऊपर पहनो सॉक्स, कुछ ऊपर सॉक्स पहन के जाओ ना बच जाएंगे। भाई यार अभी वो लोग कह रहे हैं कि ये शूज जो है ना इनके ऊपर आप सॉक्स चढ़ा लें, ताकि जो है ना आपको चलते वक्त जो है वो भी आसानी होगी, ग्रिप रहेगी। बट हम लोगों ने शूज़ पे जो है वो सॉक्स चढ़ा ली तीनों ने। हमारे शूज़ तो हो गए सेम, पर नबील भाई के जो शूज़ हैं वो उसके कपड़ों के साथ मैच कर गए, और उन्होंने हमें जो है हाइकिंग स्टिक्स भी दी हैं। हाइकिंग स्टिक्स नहीं है, ये चूना है। वो चूना लगा दिया मेरे भाई, तब से चूना चूना ही कह रहे हैं कि चूना लगा दिया उन्होंने। 3000 रुपया उन्होंने ले लिया। मैं इसको बता रहा हूँ इसकी स्टिक की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी, जब ऊपर जाएंगे ना वहाँ तो वो बर्फ के साथ जब चल रहे होंगे तो फिर इसकी जरूरत लाजमी है। और ये जो है ये केल के घर हैं सारे जो आपको नजर आ रहे हैं सामने। ये जो ऊपर है ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो वो सारा अड़ंगेल है। अगर डोली से हम जाते हैं तो हमारे 15 मिनट लगेंगे हाइकिंग के सिर्फ, और अगर हम लोग जाते हैं प्रॉपर हाइकिंग करके नीचे से ऊपर तक फिर हमें तकरीबन 2 घंटे लग जाने। 2 से 3 घंटे का टाइम पीरियड है अगर हम वैसे हाइकिंग करके डायरेक्ट जाते हैं। तो हमें 3 घंटे लगे। पूछा मैंने कुछ पिछली दफा किसके साथ आया था? यार ये मेहर भाई जाना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ छड्डू सुना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, ये पहले आए हैं। अगर आए होते तो ये हमारे टूरिस्ट गाइड होते ना, लेकिन इनको खुद को कुछ नहीं पता। अभी आपसे बोल सब कुछ मैंने बताया तुम लोगों को, इधर तक लेके आने वाले मैं हूं। अच्छा अभी तो व्यूअर्स को हमने जाके वो वाली स्टोरी सुनानी है कि हमारा सफर गुजरा कैसा। लाहौर से अड़ंगेल तक का जो हमारा सफर है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें खुआरी भी काफी काटी, लेकिन ऊपर जाके अगर वो वाला व्यू मिल गया तो खुआरी का कोई हमें बेनिफिट मिलेगा। वहाँ से आपको जो है वो कश्मीर का प्रॉपर व्यू आएगा। अब यहाँ से नीचे उतराई है, सांस चढ़ रही है क्योंकि पहाड़ी ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं। पर ये जो मलबूस आते हैं ये भी काफी प्यारी हैं, उनकी जो ट्रेडिशन है ना वो यहाँ का यही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, और ये नीचे सारा आपको जो नजर आ रहा है ये दरियाए नीलम है। अभी सर्दी है इसी वजह से जो है वो पानी का बहाव बहुत कम है, तो आपको नजर आ रहा होगा स्नो पड़ी हुई, वो जमा हुआ है काफी। पर अगर गर्मियाँ हो तो गर्मियों में इसका जो पानी का बहाव होता है वो जबरदस्त होता है। तो गाइस यार यहाँ पे पहुँच गए हैं, मेहर भाई बैठे हैं, और ये आपको रश नजर आ रहा होगा सारा। ये सब लोग जो हैं वो अड़ंगेल जाने के लिए लिफ्ट के जरिए जो है लाइन में आकर खड़े हैं। तो अभी हम भी खड़े थे लाइन में जाके, टाइम मुझे लगता है मेरे साथ काफी लग जाना यहाँ पे बारी आते आते।
तकरीबन 20-25 मिनट तो कहीं भी नहीं गए। डोली आ चुकी है यहाँ पे और काफी नर्वस है। चारों इकट्ठे बैठ रहे हैं, मेहर भाई बिन बील, हमजा और मैं, और हमारे साथ इस टाइम जो है वो टूरिस्ट पुलिस जो है वो भी एक बंदे मौजूद है डोली के अंदर ही। थैंक यू करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुंच चुके हैं, चले। बाबा इतनी ठंडी लग रही थी कि आपको क्या बताएं, पीछे बैठे हुए भाई कह रहे थे यार पंखा तो बंद करो। अब यहाँ से हमारी हाइकिंग स्टार्ट होगी और यहाँ से हमारे सफर का आगाज हो चुका है। आगे हम अड़ंगकेल जा रहे ऊपर। हम लोग आए यार लाहौर से। हमारे साथ अब यहाँ पर टूरिस्ट गाइड तो नहीं है इस टाइम, लेकिन हमारे साथ टूरिस्ट पुलिस जरूर है। ये इनकी हेल्पलाइन है, अगर अनफॉर्चुनेटली कोई किसी का कोई इंसिडेंट होता है तो इस तरह की सिचुएशन में हो जाए उनसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। बाकी वही व्यू आप देख सकते हैं। ट्रैक तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन साथ साथ बोल रहा हूँ उसकी वजह से थोड़ा सा सांस चढ़ रहा है। केल कितना नीचे रह गया, वहाँ से चढ़ना शुरू किया था और अब काफ़ी ऊपर आ गए हैं। स्टैमिना बरकरार है, इंशाल्लाह अगले 5 से 7 मिनट में उम्मीद आके पहुँचेंगे। सफ़र तो थोड़ा ही रह गया, लेकिन यहाँ पे ट्रेन में ना के बैठे हैं। सफर स्नो जो है वो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आपको ये नज़र आ रही है, ये भी पड़ी हुई है, ये सारी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही, सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। हालांकि व्यू तो बहुत बहुत खूबसूरत आने लग गया। हम ये चाह रहे हैं कि आराम से रह जाए ताकि कम से कम थकावट हो, इनको जो है गुजरने का रास्ता दे। भाई जान ये खच्चर है, गधे खच्चर है। मुझे भी यही लग रहा था क्योंकि खच्चर ही यहाँ पर जो है वो इतनी चढ़ाई चढ़ सकता है, गधे तो कभी भी ये चढ़ाई ना चढ़े। अब तकरीबन हम ऊपर पहुंच गए हैं। फाइनली गाइस वी रीच सेफली एट अड़ंगकेल। अभी मजा आएगा ना, ये ऊपर गांव जो है वो घर नजर आने लग गए होंगे, जहाँ पर बर्फ पड़ के बाद में मेल्ट हो चुकी है वो वहाँ पर कीचड़ है बढ़ गया, यहाँ पर काफी डिफिकल्टी हो गई चलने में। जो स्नो है वो आगे आपको चलते दिखाते हैं। अब इस वक्त जो है बिल्कुल इजी हो गए हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं और सारे जो हैं यहाँ पे बैठे हैं। आप व्यू चेक कर सकते हैं क्या लेवल का व्यू आ रहा है। ये सारा अड़ंगकेल का इलाका है और अभी वहाँ आगे भी जाएंगे यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बच्चे। ये यहाँ पे टूरिस्ट और भी काफ़ी सारे आए हुए हैं, ये मेरा ख्याल है कोई ट्रिप वगैरह आया हुआ, ट्रिप के लड़के वगैरह आए हैं। और अभी हम लोग वहाँ पर जाएंगे बर्फ के पास ना ऊपर, तो वहाँ पर जाके भी थोड़ा सा जो है वो इंजॉय वगैरह करेंगे क्योंकि वहाँ पर स्नो जो है वो हमें बिल्कुल करीब नज़र आएगी। यहाँ से काफ़ी दूर है लेकिन ऊपर सनशाइन की वजह से जो है ना इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही। वहाँ से हम लोग उतर के नीचे आ गए, 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन हाइकिंग नहीं है इसलिए ईजी है। काफ़ी कीचड़ वाला रास्ता है यहाँ से जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये घर बने हुए, स्लॉटिंग हट बने हुए, नीचे जो है इनके लकड़ियाँ हैं और ऊपर जो है ये लकड़ी के घर हैं। उनकी जो छत है वो ढलान वाली है ताकि जब बर्फ़ होती है तो बर्फ़ छत पर रुके ना। और यहाँ पर कब्रिस्तान कुछ इस तरह के होते हैं। मेहर साहब ये जो लोगों के घर वगैरह है ना ये बंद है, सीन पार्ट कोई भी नहीं है, देख रहे सामान वगैरह पड़ा हुआ है पर लोग खुद जो हैं वो गायब हुए हैं। भाई रास्ता तो काफ़ी गंभीर और काफ़ी दुशवार भी दुशवार, काफ़ी मिट्टी वगैरह बर्फ़ वगैरह सब कुछ कीचड़ वगैरह सब मिक्स हुआ था। ये धूप आप देख रहे हैं यहाँ से ही सूरज गायब होने लगा है, वैसे भी हवा चल रही है यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा है। पीछे तो अभी भी टेम्परेचर नॉर्मल था, उमर भाई ने भी साथ ही ग्लव्स पहनने शुरू कर दिए, सर्दी की वजह से हाथ जो है बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं और लाल हो रहे हैं। जी से ना ब्लडिंग भी रुक गया होना पूरे जिस्म में, ब्लडिंग या सर्कुलेशन ब्लड की। पर साहब ने भी ग्लव्स जो है वो कस लिए हैं, ये नो नवे नवे पिंडों आए हैं। हाँ जी मैंने भी एक ग्लव्स पहन लिया हाथ में, ग्लव्स पहने हो ना हाथ में तो उसकी वजह से मोबाइल की जो ग्रिप है वो पक्की नहीं होती। व्यूवर्स को हमने दो बातें बतानी, एक तो ये अड़ंगकेल अगर लाहौर से पहुंचना तो आपका एक्सपेंस कितना लगता है, टाइम कितना लगता है और हमारा सफर कैसा गुजरा, ये दोनों स्टोरी हमने बतानी है आगे जाके। चले अच्छा आप ये बताना शुरू करें कि लाहौर से अगर इधर आना हो लोकल
तो क्या एक्सपेंस और किस तरह से टाइम वगैरह आप मैनेज करते हैं? तकरीबन आपकी कम से कम ना 15 घंटे पक्के। हमने 20 घंटे लगातार सफर किया और ये 15 घंटे कह रहा है। लगातार 20 घंटे सफर किया नहीं साहब? 20 घंटे आप अगर सफर में लगाते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। पूछा मैंने कुछ क्या बेहतर है 20 घंटे? लेकिन आपकी फिजिक थोड़ी ठीक रहती है अगर कुछ भी ठीक नहीं रहता बंदर के अंदर। क्या बोला तूने? एक एक चीज हिल जाती है गाइस। हम जब लाहौर से निकले तो डायरेक्ट हम पिंडी आए थे, मोटर पे रास्ता तो बंद थी, लेकिन जीटी रोड जो है वो वहाँ से हम आए इसलिए वहाँ पे भी काफी टाइम लगा। उसके बाद पिंडी से आगे 3-4 घंटे हमें लगे हैं मुजफ्फराबाद आने के, लेकिन मुजफ्फराबाद से जो आगे केल तक का सफर था तकरीबन 11 घंटे हम लोगों ने जो है वो लगातार सफर किया है। मुझे चक्कर आने लगा। हम लोग परसों रात को निकले थे लाहौर से। बर्फबारी शुरू हो गया ऊपर दिखा, वो आ रही है। कहाँ? वो ऊपर से आ रही है बर्फ। हाँ आ रही है, पीछे पीछे आ रही है, लेकर आ रहे हैं लोग। वैसे बर्फ पड़ी भी है ये देख रहे हैं आप, ठंड भी काफी ज्यादा होगी, हाथ रेड होने लग गए। पीछे कर रहा है, पीछे पीछे कर ले। ये सेंटा क्लॉज मिला है। सेंटा क्लॉज स्नोमैन बना दूंगा ऐसा। वाह 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 वाह, उमेर भाई ने क्या स्नोमैन बनाया यार। इसके लिए आपका नाम जो है ना गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर उनको चाहिए कि वो लिखें और कहें कि दुनिया का ये क्या था? क्या है टूंडा जो तुझी बाल आ जाओ तुसी। बड़ा हरामी हो। फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं और इस टाइम ये आपको बर्फ वगैरह सारी नजर आने लग गई होगी, और अब ये थोड़ा थोड़ा गैप तो एंड तक है लेकिन ये ऐसे ही रहेगा, पर बर्फ जो है वो यहाँ तक पड़ी हुई है। यहाँ से पीछे सारा जो एरिया है वहाँ पर कहीं कहीं बर्फ पड़ी हुई थी, पर यहाँ से आगे ये सारा बर्फ से पहाड़ ढके हुए हैं। चल चल के काफी थक चुके हैं। और उमेर साहब खाने के लिए भी हम लोग कुछ साथ ही आ नहीं रहे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए इस टाइम एक चीज है। दो है इसमें कुकीज, एक आपकी और एक यही हमारे पास यहाँ पर खाने के लिए सिर्फ है। मजा आया। बस इसके अलावा खाने के लिए कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा खाना बाकी बचा लेना। नबीर साहब सर्दी नहीं? हवा चल रही बरसा? हाँ जी हवा काफी। सही बात है, माइनस टेम्परेचर है तो बर्फ पड़ी है ना। माइनस टेम्परेचर में ही जाता है तो फिर ही बर्फबारी होती है, पर इस टाइम माइनस में नहीं होगा। हो सकता है जीरो पर माइनस में नहीं है। पूछा मैंने कुछ। भाई अड़ंगकेल पहुंच गए हैं और यहाँ पर सर्दी इतनी है कि यहाँ पर खड़ा नहीं हो जाए, नाक लाल हो गया, हवा निकल गई, नाक फुल लाल हो चुका इस टाइम। लेकिन सर सर्दी है, जो भी आए अपना पूरा कवर से ले होकर आए। कवर होकर आए यार, गजब बेइज्जती है। इन लोगों में मेरा काला नहीं, काला नहीं, मेरा मेला यार तोता है, काला तोता। भाई कहते हैं अगले बंदे को भी पूरा मौका देना। कंट्रोल 2000 years later. और भाई खाने के लिए तो कुछ और तो था नहीं, तो मैं साहब ने कहा यहाँ पे आटा गूंथ लेता हूँ, ये आटा गूंथ अब यहाँ पे पका पकू के तो फिर कुछ करते हैं। अभी हम लोगों को तकरीबन इधर आए आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया, लेकिन सर्दी इतनी है। मैर भाई की भी हालत देख रहे हो आप, सब जो है ना वो इस टाइम पैक हो गया। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं तकरीबन 10-15 मिनट में हम लोग वापस पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें टाइम दिया था चेयरलिफ्ट का। चेयरलिफ्ट बंद होने वाली है और हम जा रहे हैं, तो इसलिए अब हम 5 बजे से पहले जो है वहाँ पे पहुंचना। पर हमने कुछ खाया भी नहीं, हम लोग व्यू देखने, व्यू चेक कराओ जरा। पर साहब व्यू देख लिया, व्यू बहुत हैवी था यार, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा, इसलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ रहा है। पहली फुर्सत में निकल और अब यहाँ पर चलते हैं नीचे गांव में। नबील पे एक दोस्त है, उन्होंने हमें कहा कि यार चाय की दावत है आपको, चल जाके देखते हैं। वाकई वो चाय पिलाता भी है यार, नबील नहीं का दोस्त या फिर क्या लगता है आपको? और यार फिर दोस्त क्या थी, फिर दोस्त यही होता है भाई, अगर ना भी पिलाई तो हम कुछ ना कुछ खाए पिएंगे, मस्त पिला लें, क्योंकि सुबह से सिर्फ नाश्ता किया था, यहाँ पर इतना हाइकिंग की, उसके बाद सर्दी की वजह से जाना भूख लग गई। वहाँ से हम लोगों ने सफर शुरू किया था वापसी का, और ये आप देख रहे हैं ये हट जो है इनमें लकड़ियाँ काट के रखी हुई सूखने के लिए, और यहाँ पर जब सूख जाती हैं बर्फबारी वगैरह होने लगती है तो तब फिर वो इनको अंदर सेव कर लेते हैं। और ये आप देख रहे हैं एंगल पड़ा हुआ है एक हट का, और ये स्लॉटिंग है, कुछ घर जो है ये पत्थर के बने हुए नीचे से दीवारें वगैरह। अच्छा शाम के 4:30 हो रहे हैं तकरीबन, ये देख रहे होंगे आप होटल्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर भी, अगर आपने स्टे यहाँ पर करना हो तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने स्टे किया हुआ है केल में, तो इसलिए हम लोग अब यहाँ से केल जा रहे हैं। वो मेहर साहब आपको फेवरेट सिंगर का क्या नाम था वो जिसका आप गाना गाते हैं, गाना कौन सा? वाह वाह बढ़िया पीड़ा निकल गई, वाह वाह बढ़िया पीड़ा निकल गई। भाई ये जो सिंगर है ना ये बेस सुनो का बेताज बादशाह। हाँ जी अच्छा है, मैं अंधा हूँ।
ये हाइकिंग स्टिक का मैं उन्होंने इस वजह से दी थी। जब आप ऊपर जाएं तो अल्लाह अकबर करें, नीचे आए तो सुभान अल्लाह पढ़े। माशाल्लाह माशाल्लाह। वीर साहब, इन स्टिक्स का इतना फायदा हुआ नहीं है, पूछा मैंने कुछ, लेकिन ये सॉक्स का फायदा हो गया। ये देख रहे हैं आप पैरों की हालत, पर जो शूज है ना वो नीचे से सेव हो गया। यार अभी नीचे पहुंच गए डोली के पास, ये देखें डोली चल रही है, डोली जा रही है, और तकरीबन पूरे 5 बज गए हैं और इन्होंने हमें टाइम दिया था 4:30 बजे का। रश देख रहे हैं आप लोग, बहुत ज्यादा रश है, पीछे भी रश पूरा ही बड़ा हुआ है, तो ना इसी वजह से रश है क्योंकि टाइम उन्होंने दिया था 4:30 का, इसीलिए कम टाइम देते हैं ताकि जो है टूरिस्ट वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। और यहाँ पर वेट कर रहे हैं, यहाँ पे वैसे एक हट था, वहाँ पे चाय वगैरह भी थी, पर चाय वगैरह इसलिए क्योंकि चाय पीने बैठ जाते तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लग जाए, आधा घंटा तकरीबन लग जाना भाई जान। ये आग लगाई थी अपने लिए, तो उन्होंने आग लगाई थी, हम यहाँ खड़े तो यहाँ पे ट्रिप भी आया हुआ कमालिया से, आपको बताया था, उनके लड़के जो है पहले वो जा रहे हैं, उसके बाद हमारी बारी आएगी। बहुत मुश्किल से हमारी बारी आई है, धक्कम पेल से साहब, धक्कम पेल कैसी हुई है रस्ते में गाइस, धक्कम पेल ऐसी हुई है कि मेरे यहाँ पे चोट भी लगी टांग पे, लेकिन ये है कि हमारी बारी आ गई, अगर बारी अभी ना आती सही तो फिर देखा आपने लापरवाही का नतीजा। यहाँ से नीचे जाना केल, और केल जाके हम लोग करेंगे स्टे, खाना वगैरह खाएंगे, खाना हाइकिंग नीचे, कौन सी हाइकिंग होती है हमारी हाइकिंग। ये देखें जी, वी लव बहुत अच्छी लग रही है, उल्टा कह रही मैं नवे खोले। ये देखें, ये घर यहाँ पर तैयार हो रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, इसकी कंस्ट्रक्शन वुड से ही हो रही है, ऊपर टाइम तो कम ही गुजारा लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा थी। बाकी अब यहाँ से नीचे जा रहे हैं, अंधेरा भी हो गया ऊपर, आप देख रहे हैं शाम हो गई है बिल्कुल, टाइम 5:30 हो रहे हैं तकरीबन, तो यहाँ से अभी चल के कुछ खाते हैं और उसके बाद जो है कुछ देखते हैं क्या करना है। 2000 years later यार रात को हम लोग पहुंच गए थे होटल और अंधेरा काफी ज्यादा हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई रेडी है, 12 बज रहे हैं तकरीबन, अभी यहाँ से निकल रहे हैं, तकरीबन 9 घंटे का ही हमारा सफर है, तकरीबन 9 घंटे हमें लगेंगे यहाँ से वहाँ पहुँचने में मुजफ्फराबाद। यार तकरीबन हम लोग 12 बजे के निकले हुए हैं अड़ंगकेल से, और मुजफ्फराबाद के लिए हम लोगों ने वहाँ से सफर जारी किया, और अभी तकरीबन 5 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं, मेरे साथ हमजा है, और ये सामने आपको जो बॉर्डर नज़र आ रहा होगा, ये दरिया है नीचे, दरिया नीलम, और ये सामने इंडिया के घर हैं सारे, ये सामने होटल में हमने चाय पी है, और ये नवील भाई की चाय जो है वो ठंडी हो गई है, नवील भाई नमाज़ पढ़ने चले गए थे तो, और ये हमारे अरसलान भाई हैं, इनके साथ हमारी मुलाकात हुई है अड़ंगकेल में, और ये हमारे साथ ही सफ़र कर रहे हैं मुजफ्फराबाद तक का, और वहाँ पर फिर हमने स्टे भी करना है, तो वहाँ पर जाके आपको अपडेट देते हैं, बाकी हमारी गाड़ी रेडी है तो हम निकल रहे हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मुजफ्फराबाद, और हम लोग यहाँ पर खाना खुना खाने के लिए आए हुए हैं, सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, नबीर भाई हैं, उमैर भाई हैं, अरसलान भाई हैं, हमजा भाई हैं, और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है बर्गर, और उसके साथ शेक वगैरह मंगवाए, हमने होटल में स्टे किया, रात यहीं पर रुकने का प्लान है, और इंशाल्लाह फिर कल जो है निकलेंगे घर के लिए, तो इंशाल्लाह फिर आपसे सुबह मुलाकात होती है अगले ब्लॉग।